हेलो फ्रेंड्स, उमा किचन में फिर से स्वागत है। आज हम नया एक तो टिफिन का नाश्ता बनाएंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम मैदा ले लिए एक कटोरी, उसमें अभी हम कलौजी दे रहे हैं, आधा चम्मच हम चीनी दे रहे हैं। चीनी आप नहीं भी देने से चलेगा, मगर चीनी देने से टेस्ट लगता है। मैदा में हम नमक डाल दे रहे हैं। अभी इसमें हम रिफाइंड ऑयल 2 चम्मच डाल देंगे। इसको अच्छा से हम मिला लेंगे हाथ से। इसको हाथ से हम अच्छा से मिला लिए हैं, ऐसे डो बन जाएगा। तब समझिएगा अच्छा से हम मिला ली, मोयम हो गया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम टाइट डो लगा ले रहे, जैसा रोटी बनाते उस तरीका से ये नाश्ता आप बनाइएगा। तो इसमें सब्जी का दरकार नहीं होगा, चाहे आप चटनी का सॉस का साथ आप खा सकते हैं। मैदा को अच्छे से हम सान लिए हैं, अभी इसका हम लोरी बना लेते हैं। देखिए ऐसे इसका बना ले रहे हैं। अभी हम गोल करके पेड़ा बना ले रहे हैं। अभी इसमें आटा डाल दे रहे थोड़ा सा, इसको हम रोटी जैसा बेल लेंगे। जास्ती हम पतला नहीं करेंगे, रोटी जैसा बेला जाता है उस तरीका से हम बेल ले रहे हैं। इतने पतला करके हम बेल लिए हैं, बाकी हम ऐसे बेल के आपको दिखा रहे हैं। हम रोटी बेल लिए हैं, अभी जितना तो हम बनाएंगे उतना तो हम रोटी बेले हैं। एक तो कटोरी हम ले लिए हैं, अभी इसको हम कटोरी का ऊपर को डाल दिए हैं रोटी को। अभी हाथ से उसको थोड़ा हल्का हम ये गड्ढा जैसा कर ले रहे हैं। देखिए अभी इसमें हम अंडा डाल दे रहे हैं। थोड़ा सा प्याज डाल देंगे, टमाटर डाल दे रहे हैं, 2-3 टो मिर्चा डाल दे रहे हैं, नमक ऊपर से डाल देंगे, गोलमरीच का पाउडर, थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल दे रहे ऊपर से। फिर और रोटी को हम इसका ऊपर डाल दे रहे हैं। इसको हाथ से अच्छा से हम इसको दबा देंगे ताकि अंडा तो बाहर ना निकले। इसमें आप चीज भी डाल सकते हैं, हम नॉर्मल बना रहे हैं ताकि आप लोग घर में आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि सबका घर में चीज हमेशा नहीं रहता है। फिर इसको हम क्या करेंगे, चम्मच का साथ से इसको हम काट ले रहे हैं। काट दिए हैं हम, अभी इसको हम तेल में फ्राई करेंगे। रिफाइंड तेल गरम होने दे दिए हैं, गैस अच्छा सा हम गरम कर लिए हैं, अभी मीडियम में रखेंगे। जोर आप गैस को कर दीजिएगा तो कच्चा रह जाएगा अंदर से। अभी इसको हम एक तरफ पक जाए उसके बाद आस्ते से हम इसको पलटी कर लेंगे। अभी इसको हम चम्मच से आस्ते करके इसको हम पलटी कर दे रहे हैं। एक तरफ अच्छा से उसको पकने दीजिएगा तो पलटी कीजिएगा, न तो पूरा अंडा बाहर निकल जाएगा पूरा। देखिए हो गया है, देखिए इसको अभी हम निकाल ले रहे, बाकी सब हम बना ले रहे ऐसे करके। कितना अच्छा बना है देखिए, देखिए हम बना लिए हैं। इसको अभी आपको तोड़ के दिखा रहे हैं, गरम है, काट के दिखा रहे हैं आपको। कितना नरम भी बना है, देखिए
ऐसे आप घर में बनाइए, बच्चों को टिफिन भी दे दीजिए, चाहे नाश्ते में भी आप खा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा पका है अंदर से। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।